गवर्नमेंट को पहले ये समझ में नहीं आता है कि हमारा मोदी जी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है, हमारा नारा है बीजेपी का नारा है सबका विकास सबका साथ, यानी गरीब भी हमारे साथ है और अमीर भी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जी मेरा नाम जान मोहम्मद डार है और मैं ललार का रहने वाला हूँ, ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारा यही एक मसला है कि हम जो काम करते हैं रेत का काम एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड करते हैं, और जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि टेंडर निकालो वो निकालो, क्योंकि हम टेंडर नहीं खरीद सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट बिरला अंबानी टाटा सेफको और एनीथिंग, वी आर जस्ट लेबर्स, हम मजदूर लोग हैं। और मैंने बार आई एम अंडर ग्रेजुएट और देखो मेरे हाथ देखो, क्योंकि हमारे पास कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई कोऑपरेटिव काम जो नहीं जो हम कर सकते हैं। ये जो टेंडर निकाले हैं 2 करोड़ की 3 करोड़ की, हम नहीं दे सकते। हमारा जो गांव है 225 मजदूर है, इसमें 175 बोट्स है, 225 लेबर्स है, जिनमें 124 एजुकेटेड जो ग्रेजुएट्स है, जो जिन्होंने MA किया है BA किया है। जो इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होना चाहिए, डेवलपमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि हमने MBA किया है BA किया है BEd है ग्रेजुएशन है, फिर भी यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं मिलती है। अगर हमें जॉब देंगे भी 125 है हम जो एजुकेटेड है, जो बाकी है वो सफ़ेद दाढ़ी वाला है वो कौन सा जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो जिनके पास चार तीन तीन बच्चे हैं वो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, जो जो ओवर एज है 40 के उम्र के हैं वो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। हम यही कहते हैं कि हम जो नौजवान हैं, हमारा ये रोज़गार है, हमारा घर बार यही इसी पर चलता है। मेरा नाम है फयाज़ अहमद, मैं ललहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और ज़िला पुलवामा तहसील काकापुरा। देखिए सर, गवर्नमेंट ने जो टेंडरिंग निकाली है उससे हमें नुकसान पड़ता है, पहली बात यही है, उससे हमें नुकसान पड़ते है। आप लोग देते जो अभी इंटरव्यू आपके सामने देते वो ग्रेजुएशन था, जो यहाँ के लोग हैं MA बेड वाले भी आपके पीछे हैं। घर वालों का गुजारा इतना ही था तो हमने उतना तक पढ़ लिया, उन्होंने कैसे कमा लिया कैसे नहीं कमा लिया तो पढ़ा लिया हम लोगों को, उनका ताकत था खाली ग्रेजुएशन तक, तो हमने ग्रेजुएशन भी कर ली। देखिए गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने जो ये टेंडरें निकाली है, देखिए आप भी देखिए ड्रेजिंग 10 बार हुई है यहाँ पे, वो लोग भी इलीगल काम करते थे, जो ठेकेदार था चाहे 2 आदमी था 3 आदमी था वो इलीगल काम करते थे, गवर्नमेंट बोलते कि आप इलीगल काम करते हैं। चलिए 2019 तक जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम भी लीगल करना चाहते हैं, 100-200 हमारा गुजारा है, करोड़ों का गुजारा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन चलते हैं इस टाइम टेंडर, जो जो ठेकेदार है वो ऑनलाइन पे जाते हैं, दिल्ली में जम्मू में जाते हैं, यहाँ इंटरनेट बंद है, यहाँ नहीं चलता है, DC ऑफिस में चलता है। हम DC साहब से भी गया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डांट लिया हमें, कुछ ऑर्डर्स आए थे इलीगल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड इज इलीगल, बट वही हम कहते हैं कि हम अगर इलीगल है तो हम लीगल करेंगे, क्यों हम फीस देंगे जितना भी हो सकता है, फिर 100-200 तक दे सकते हैं हम। अगर गवर्नमेंट यही चाहता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रहे, हम बेरोजगार रहे, तो फिर तो ठीक है, फिर दे दो इन अमीरों को टेंडर, जो अंबानी है टाटा है बिरला है सेफको है खाइबर है, इनको दे दो, हम जो 225 इस गांव में है हमको यहीं घर पे रहने दो बस, हम वी आर नॉट, अगर ये जमीन अगर ये रेत का काम हमें छीन गया तो वी विल बी हैंडीकेप्ड, वी विल बी नॉट एबल टू डू एनी वर्क। यहाँ जो ड्रेजिंग हो रही है, ये जो ये हमारे ये मतलब ठेकेदार साहब हैं, ये अमीर लोग हैं, ये 1-2 करोड़ इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे देते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है सोचता नहीं है, हम लोगों को क्या होगा, हम 40-45 तैनाती से मतलब ऊपर हो गए हैं, हम कोई कसब भी नहीं कर सकते हैं, कोई मजदूरी के मतलब लायक भी नहीं रहे हैं, नौकरी के लायक भी नहीं है, पैसा भी हमारे पास नहीं है। हम गवर्नमेंट से आपकी वसादत से ये अपील करना चाहते हैं, अगर मोदी साहब अगर हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मतलब बेरोजगारों को रोजगार देंगे, गरीब लोगों को इकट्ठा करके ऊपर उठाएंगे, मतलब उनकी तरक्की चाहते हैं, लोन देते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे से ये रोजगार क्यों छीनते हैं। हम भी चाहते हैं, अगर हमसे रॉयल्टी चाहिए गवर्नमेंट को,
चाहे महीने का 500 200 400 क्या करेगा गवर्नमेंट, मतलब क्या रूल्स होंगे? हाँ वो पैसा देंगे गवर्नमेंट को, लेकिन ये टेंडर वेंडर हम नहीं चाहते, क्योंकि हम हमारी जो आबादी है, हमारी जो ये जो ये जहाँ से खान बल से खादिम यार तक, मतलब जो ये दरिया है, सब लोग जो दाएं बाएं जो इस दरिया के किनारे रहते हैं सब यही काम करते हैं। क्या 5 लाख 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और एक 10 ठेकेदार जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, 10 लाख लोगों की सोचते नहीं है लेकिन 10 लोगों की सोचते हैं गवर्नमेंट जो बड़े अमीर है, हम 10 लोग जहाँ मतलब जाएंगे कहाँ? Thank you.